अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो मैंने ये दराज से ऑनलाइन शॉपिंग की थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं, सारी चीज़ें अनबॉक्स करती हूं आपके सामने। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने खोल ली थी ताकि टाइम सेविंग हो जाए और जल्दी जल्दी से वीडियो बन जाए, ताकि लंबी ना हो वीडियो। तो चले मैं सारी चीज़ें आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं रिवाज का ये सन ब्लॉक दिखा रही हूँ। ये मैंने मंगवाया है, ये मुझे 614 का पड़ा है विद DC, ठीक है। और इसमें 60 PF SPF है, और इसकी मैंने बहुत तारीफ़ सुनी थी, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा मैं भी यूज़ करूँ। इससे पहले मैं दूसरा यूज़ करती थी, तो वो भी अच्छे थे, लेकिन एक रिव्यू देने के लिए मैंने ये मंगवाया कि मैं आप लोगों को इसका रिव्यू दूंगी। तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर ही मैं ज़्यादातर रिव्यू देती हूँ। मेरी आईडी है @saminazlifestyle। अच्छा, फिर ये मैंने 24K गोल्ड पील ऑफ मास्क मंगवाया था, बायोशॉप का है ये, और एक्सफोलिएटिंग मास्क है ये, बहुत ज़बरदस्त मास्क है। मुझे इसकी नीड थी, 351 का ये है, और विद DC मुझे ये पड़ा था। तो मैं इसको यूज़ करूँगी, मैंने ये वाला यूज़ नहीं किया है, यूज़ करूँगी तो ज़रूर इसका रिव्यू दूँगी कि कैसा है ये। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है और स्मूथ सा है। ये देखें कितना, जो 24 गोल्ड इन्होंने कहा है तो वही है, 24K गोल्ड, ठीक है। बहुत ही स्मूथ सा, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है देखने में, दिल चाह रहा है कि इसको फ़ौरन यूज़ करूं। तो मैं जल्द ही यूज़ करके इसका रिव्यू आप लोगों को दूंगी। अच्छा, इन सब चीज़ों के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, तो जो चीज़ आपको चाहिए हो, मंगवाना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन के ज़रिए आप चले जाइएगा। एक ये मैंने मास्क मंगवाया था, बहुत वायरल मास्क है ये, फोमी टाइप मास्क है, 229 का मुझे पड़ा था विद DC। ये ऐसा है कि आप फेस पे 20 मिनट इसको लगा लें तो ये फोम एकदम से फेस पे आ जाता है। मैंने लगाया भी है और इंस्टाग्राम पे इसकी दिया भी था इसका रिव्यू, आप चेक कर लीजिएगा। और फिर इसको हटाने के 20 मिनट के बाद इसको हटा दें और फिर इसको हल्का सा मसाज करें और आप फेस वॉश कर लें। तो बहुत अच्छा ये मास्क है, ये पोर्स SPA बॉम्बो चारकोल डबल फेस मास्क है। ये रिच इन फोमी है, डीप क्लीनिंग करता है, ऑयल कंट्रोल है और एंटी एक्नी है। तो ये हो गया। और इसके अलावा मैंने ये हेड मसाजर मंगवाया था, ये 242 का मुझे पड़ा था, बहुत ज़बरदस्त हेड मसाजर है। आप ऑयल लगाएं, कुछ भी करें तो आराम से इससे मसाज कर लें, या वैसे भी कभी मूड होता है कि बस ऐसे ही बैठे बैठे ख़ुद से मसाज कर लें, कोई होता नहीं है तो खुद ही कर लें, इसको पकड़ा और आराम से कर लिया। इस पर ये ब्लैक ब्लैक छोटे छोटे गोल गोल से लगे हैं, ये बिल्कुल नहीं चुभते, बहुत सुकून देते हैं। तो ये वही सारी चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ जो मैंने यूज़ भी कर ली हैं आपके साथ, ये मैंने करके भी देखा है। मेरी तरफ़ से ये रिकमेंडेड हैं सारी चीज़ें जो जो मैं आपको बताती जा रही हूँ, और साथ साथ उसका रिव्यू भी देती जाऊँगी, ठीक है। इसके अलावा मैंने ये बैग्स मंगवाए थे। ये ऐसे हैं कि कबर्ड में आप रख लें और सेपरेट इसमें पैंट्स, शर्ट्स और अपने कुछ भी चीज़ें आप रख सकते हैं, कपड़े जैसे, ये अलग अलग इसमें पीस बने हुए हैं। तो ये कुछ 5-7 कुछ पीस हैं और इसके अंदर आप अलग अलग रख सकते हैं, क्योंकि कबर्ड में कपड़े ऐसे हो जाते हैं ख़राब, मुझे बहुत ख़राब लगता है, इतनी जल्दी जल्दी से कबर्ड सही करनी पड़ती है। तो इस बैग में आपने करके रखा, काफ़ी स्पेस है इसमें, आपने अलग अलग करके रख दिया और ऐसे कैसे आपने निकाल लिया, देखा होगा आपने, बहुत यूज़फुल चीज़ है ये। तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, नीड भी थी मुझे, तो मैंने ये मंगवा लिया। 729 के विद DC मुझे पड़ा है ये, और ये मुझे तीन बैग हैं ये। सही हो गया। फिर जी चलते हैं, और हाँ, ये मैंने फ्रिज का एक कवर मंगवाया था, जो ऊपर से बिल्कुल एक शीट डालते हैं ताकि ऊपर मिट्टी वगैरह आ जाती है ना, अक्सर आपने देखा होगा फ्रिज हम ऊपर से बेचारा इग्नोर हो जाता है, वो साफ़ नहीं हो पाता ज़्यादा, तो उस पर मिट्टी सी आ जाती है, तो ये उसको सेफ करेगा। और साइड में इन्होंने पॉकेट्स दी हुई हैं, कुछ आप चीज़ रखना चाहें दोनों साइड पर ये पॉकेट्स हैं, तो इसमें आप कुछ भी रखना चाहें, ज़रूरत की चीज़ें जैसे कीज़ डाल दें आप, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको रखनी हो
तो वो आप इसमें रख सकते हैं आराम से। बहुत अच्छा है ये भी और यूज़फुल चीज़ है और बहुत मतलब क्लीन सा बना हुआ है, बहुत नीट एंड क्लीन है और अच्छी चीज़ बनी हुई है, फिनिशिंग के साथ मुझे मिली है। ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, तो मंगवा सकना चाहें तो आप मंगवा लें। अच्छा, इसके अलावा ये बैग मैंने मंगवाए, इसकी भी मुझे शदीद वाली नीड थी क्योंकि विंटर्स में ये होता है कि हम लोग स्वेटर वगैरह कहाँ रखें, वो शॉपर्स में रखो वो भी फट जाते हैं, वो खुल जाता है, मिट्टी विट्टी भी आ जाती है। तो ये चार मैंने मंगवाए, 500 के मुझे पड़े हैं। मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ एक कि किस तरह का है ये बैग पूरा, बहुत बड़े जंबो साइज़ के ये बैग है, इसमें बहुत सारे कपड़े आपके आ जाएंगे। ये आप इसमें आप बेड शीट्स वगैरह भी रख सकते हैं, इसमें आप अपने फैंसी कपड़े या लॉन के कपड़े या जो भी हो, जैसे समर्स में कुछ लोग रख देते हैं अपने लॉन के कपड़े वगैरह, वो उसमें सेफ़ हो जाते हैं। हम तो घर नहीं रखते, कराची वाले हैं, इधर तो इतनी सर्दियां पड़ती ही नहीं है, तो हमारे समर्स के ही कपड़े चल रहे होते हैं। लेकिन मैंने ये स्वेटर वगैरह के लिए, बेडशीट वगैरह के लिए या कुछ फैंसी कपड़े होते हैं उनके लिए मंगवाए हैं ये बैग। आप ज़िप लगा दें, इसके हैंडल भी हैं, बहुत बड़ा है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप ज़रूर मंगवाइएगा, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और 500 में आपको चार मिल रहे हैं, ये इसमें डीसी भी शामिल है, बहुत ज़बरदस्त है। इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगी। तो चलें, फिर मैंने कुछ और चीज़ें ऐसी भी ऑर्डर की थी जो मैंने पहले खोल ली थी, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ, उसको भी मैं अनबॉक्स कर लेती हूँ। वो तो मैं कर चुकी थी, लेकिन ये कि मैंने आपके साथ रिव्यू भी शेयर करना था इसलिए। तो ये 800 के दो ग्लव्स मुझे पड़े थे, ये बहुत ज़बरदस्त ग्लव्स हैं। आपकी सोच है कितना अच्छा है, ये एक्सफोलिएट करता है आपके स्किन को, इतना स्मूथ और सॉफ्ट बना देता है। ये ऐसा है कि आपने नीम गर्म पानी से अपनी बॉडी को वॉश किया, उसके बाद आपने इसको हाथ में पहन के और रब किया पूरे बॉडी को, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपका मतलब मैल सा जम गया है या कुछ होता है ना कि वो साफ़ नहीं हो रहा है, तो बहुत ज़बरदस्त कर देता है ये आपकी स्किन को। ये देखिए, मैं आपको दिखा भी रही हूँ, स्ट्रेचेबल है ये। एक मैंने यूज़ कर लिया है और दो मंगवाए थे, एक ही रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है एक ही यूज़ करूँगी पहले। तो ये इस तरह का आपके हाथ में फिक्स हो जाता है और आपकी स्किन को ज़बरदस्त कर देता है, पूरा इसके डेड स्किन निकाल देता है। अगर मैल ना भी हो ना तो आपकी स्किन पे से डेड स्किन निकाल देता है ये। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, रिकमेंडेड है, तो आप ज़रूर मंगवाइएगा। इसका भी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी। अच्छा, ये मैंने मंगवाया था अपने मोबाइल का कवर मंगवाया था, ये मैंने इंस्टाग्राम से मंगवाया था। तो ये जब मैंने मंगवाया था तो इन्होंने सिर्फ एक कवर भेज दिया था, ये 1200 का मुझे पड़ा था। फिर मैंने इनको बोला कि भाई इसकी चेन भी तो भेजें, मैंने तो चेन के साथ ही पसंद किया था। तो मैंने कई बार इनको मैसेज किया, तब इन्होंने बाद में मुझे ये उसकी चेन भी दी जिसके साथ मैंने पिक्चर अटैच की है। तो बहुत अच्छा लग रहा था, ट्रांसपेरेंट है, बस स्माइली फेस बने हुए थे इसके ऊपर, और मेरा जो गोल्डन कलर का मोबाइल है उसके ऊपर बहुत फिट लग रहा था, ऑसम लग रहा था। तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, ये इंस्टाग्राम पे पेज है, वो मैं लिंक शेयर कर दूंगी। आप मंगवाना चाहें, उनके पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो आप मंगवा सकते हैं। अच्छा, ये क्या है, हाँ ये मुझे हेयर ब्रश की ज़रूरत थी, स्मैकर्स के डब्बे में इन्होंने पैक करके भेजा है। ये 300 का है, ये रोलर ब्रश है, मुझे जैसे बाल बाल सेट करते हैं, रोल करते हैं स्ट्रेट के हिसाब से, आप कंघा जब करते हैं बालों को, तो उसके लिए मुझे इसकी बड़ी नीड थी। तो ये मैंने मंगवा लिया, बहुत ज़बरदस्त है, ये भी बहुत अच्छी पैकिंग में और बहुत अच्छा आया, मुझे बहुत पसंद आया। इस तरह के ये गोल पूरा बना हुआ है कि आप किसी तरह भी बाल अपने इसको सेट कर लें। तो ये भी मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, तो आप चाहें तो मंगवा सकते हैं। इसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अच्छा, ये मैंने मंगवाई थी, पूरी स्किन केयर की चीज़ें थी ये मेरी, बहुत ज़बरदस्त स्किन डीप की ये चीज़ें हैं, ब्रांड है स्किन डीप, और आजकल बहुत ज़्यादा ये वायरल हुई हुई चीज़ें। 3700 की ये मुझे पड़ी थी सारी चीज़ें इसके अंदर। तो और इसमें फिर ये था कि आप एक दफ़ा मंगवाएंगे तो उसके बाद आपको ये बिफ़ोर आफ्टर आप दिखाएंगे तो आपको डिस्काउंट देंगे ये।
ठीक है, ये मैंने इंस्टाग्राम से ही मंगवाया था। तो ये इनकी क्रीम्स है जो हमें विटामिन सी क्रीम है, ये हमें नाइट में लगानी है। जाहिर सी बात है दिन में हम विटामिन सी यूज़ नहीं करते जब हम खासतौर पे बाहर निकलें धूप में जाएं, और इसको रखना भी फ्रिज में है। ये मैंने यूज़ की है, एक हफ्ते से मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त स्किन हो गई है। यकीन करें मुझे बहुत पसंद आई ये चीज़ें। और ये इनका टोनर है और सेम रोज़ वाटर वाली इसमें खुशबू है, बहुत ज़बरदस्त इसका टोनर है। तो और ग्लो दे देता है एकदम से स्किन के ऊपर। तो ये चीज़ें भी मेरी तरफ से रिकमेंडेड हैं। आपने फेस वॉश करना है सबसे पहले, फिर उसके बाद आपने इस टोनर को स्प्रे करना है हल्का सा। ये आप अपने रूम में ही रखें, ड्रेसिंग टेबल पे या फ्रिज में भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, ये सीरम है, ये भी बहुत ज़बरदस्त सीरम है, एकदम से टाइट कर देता है आपकी स्किन को, बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आए इनकी चीज़ें। और ग्लो प्रोवाइड करता है आपकी स्किन को, आपके जो स्किन पे एक्नी हो या कोई आपके मार्क्स हो डार्क, उन चीज़ों को ख़त्म कर देता है, स्किन को टाइट कर देता है। ये ऐसा है जैसे राइस सीरम होता है ना, जैसे थोड़ा सा थिक सा, एक ड्रॉप इसका, बिल्कुल थोड़ा सा एक ड्रॉप इतना सा लेती हूँ मैं और वो मेरी पूरी स्किन पे आ जाता है। वो थोड़ा सा आपका गीला फेस हो ना तब आपने यूज़ करना है इस सीरम को। अच्छा, ये फेस वॉश है, ये भी बहुत बड़ी बॉटल है फेस वॉश की, बहुत ज़बरदस्त फेस वॉश, इससे आपने डीप क्लीनिंग कर देता है आपकी स्किन का। आपने रात में एक बार इसको, आप चाहे तो दोनों टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको अभी रात में एक ही टाइम यूज़ कर रही हूँ। इसको यूज़ किया मैंने हाइड्रेट, देखें लिखा हुआ है सारी चीज़ें हाइड्रेटिंग, पूरी चीज़ें हैं ये, हाइड्रेट कर देता है आपकी स्किन को। तो अगर मेरी चीज़ें आपको अच्छी लगी हो तो आप मंगवा सकते हैं, क्योंकि मेरी तरफ से ही रिकमेंडेड हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैंने ट्राईपोड मंगवाया था, ये 2-2.5 हज़ार का मुझे पड़ा था। यकीन करें मैं बहुत परेशान थी, मेरा ट्राईपोड टूट गए थे और अक्सर टूट ही जाते हैं। मतलब ये ऐसा था कि आप कहीं भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं और आराम से इसको मूव कर सकते हैं, कहीं भी आप बैठे हैं, वीडियो बनानी है आपने, अपने चेहरे की बनानी है, स्कार्फ की बनानी है, कोई भी बनानी है, जिस भी टाइप की। मैंने ये टेबल के ऊपर इसको क्लिप सा है इसके ऊपर लगा दिया है, इसके साथ लाइट्स भी इन्होंने दी हुई है, तो आप उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं आराम से। लाइट जैसे येलो लाइट भी है इसमें, वाइट कलर की लाइट भी है, और ये आप किसी भी चार्जर में लगा सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।